नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, आप कई बार हमारी जो घड़ी होती है वो बंद हो जाती है और हमारे पास बैटरी नहीं होती है, और जो हमारे पास बैटरी होती है वो डबल ए की जगह ट्रिपल ए बैटरी होती है, जो इसमें हमेशा ढीली रहती है और लग नहीं पाती है। तो दोस्तों, इमरजेंसी में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, डबल ए की जगह ट्रिपल ए बैटरी? ये देखिए, हमारा डबल ए बैटरी है जो इसमें आराम से फिक्स हो जाती है। बैटरी निकालने का तरीका होता है, जो माइनस का साइड होता है उसमें से बैटरी ऊपर होती है, जिस वजह से बैटरी आसानी से स्लाइड होकर ऊपर आ जाती है। तो दोस्तों, ये हमारी डबल ए बैटरी है और ये हमारी ट्रिपल ए बैटरी है, हम इसको लगाएंगे। काफ़ी आसान तरीका है। आप देखिए दोस्तों, इसमें प्लस और माइनस होता है। जो माइनस साइड है वहाँ पे हम एक पैकिंग लगाएंगे, जिस वजह से इसमें फिक्स हो जाएगी। यानी कि हम इसमें एक फॉइल का पेपर लगाएंगे, क्योंकि जो फॉइल होता है वो नॉन इंसुलेटेड होता है, जिस वजह से इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। यानी कि हमारी जो बैटरी है उसके माइनस को वह घड़ी के माइनस से अटैच कर देती है। देखिए दोस्तों, आप कोई भी फॉइल ले लीजिए, और लेना आपको सिर्फ फॉइल ही है, और जहाँ पे माइनस वाला हिस्सा है वहाँ पे इसको लगा दीजिए, और आपकी बैटरी होगी वो थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी और वह आराम से इसमें अटैच हो जाएगी। और जब आपके पास डबल ए बैटरी आए तो आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारी घड़ी वापस से चालू हो चुकी है। हमें सिर्फ एक तरीके से इस डबल ए बैटरी की जगह ट्रिपल ए बैटरी लगाई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये इसमें लग गई है। अब हम रिमोट में देखते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास डबल ए बैटरी नहीं होती और ट्रिपल ए बैटरी ज़्यादा होती है, तो हम उसका कैसे यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा रिमोट है, इसके अंदर डबल ए बैटरी लगी हुई है। ज़्यादातर आजकल जो रिमोट आते हैं उसमें ट्रिपल ए बैटरी ही लगती है। ये थोड़ा पुराने टाइप का रिमोट है, तो इसमें डबल ए बैटरी लगी है, क्योंकि डबल ए बैटरी साइज में भी बड़ी होती है और लंबाई में भी बड़ी होती है, तो वो थोड़ी सेट नहीं हो पाती हमारे पुराने रिमोट के अंदर, क्योंकि रिमोट में ज़्यादा जगह होती है। तो दोस्तों, इस वजह से हम इसमें भी वही यूज़ करेंगे, फॉइल का पेपर। फॉइल पेपर आप थोड़ी अच्छी सी गोली बना लीजिए, और जो माइनस वाला साइड है वहाँ पे इसको अटैच करना है, प्लस वाले साइड में इसको अटैच नहीं करना है। देखिए दोस्तों, माइनस वाले साइड में अटैच ये मैंने गोली बना दी है, और यहाँ पे मैं अपनी बैटरी लगा लूँगा इस तरीके से, और जो दूसरी बैटरी है वो भी सेम लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों, जो फॉइल पेपर है वो टच नहीं होना चाहिए दूसरी बैटरी से, वो सिर्फ अपनी ही बैटरी से टच होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि जो माइनस वाला हिस्सा, जिस तरफ स्प्रिंग है उसी तरफ फॉइल को लगाना है, प्लस में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि प्लस के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों पास पास में टर्मिनल होते हैं, तो कई बार शॉर्ट हो सकता है। देखिए दोस्तों, फिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको चेक करता हूँ, इसमें LED ग्लो कर रही है। डबल ए बैटरी और ट्रिपल ए बैटरी दोनों में सेम वोल्टेज होते हैं। अब जो कि इसमें जगह ज़्यादा है, डबल ए बैटरी के लिए जगह बनी हुई है, तो ट्रिपल ए बैटरी इसमें ढीली रहेगी। तो हम एक कागज़ की पैकिंग लगा देंगे बीच में और ऊपर नीचे, सॉरी सिर्फ ऊपर लगाएंगे, ताकि ये बैटरी इसमें हिलेगी नहीं और एकदम फिक्स हो जाएगी। और जब भी आपके पास डबल ए बैटरी आए तो आप इसको रिप्लेस कर लीजिएगा, जब तक आप इसमें काम चला सकते हैं और अपना मनोरंजन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही था कि कई बार डबल ए बैटरी की जगह आप ट्रिपल ए बैटरी टेम्प्रेरी कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।